नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक यहां पर ट्रैक पर संदिग्धता के चलते 3 शव बरामद किए हैं, जिनमें पहचान के मुताबिक महिला अपने 2 बच्चों के साथ थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने अपने भाई को एक ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें कहा कि मैं जा रही हूँ, टुकड़े ले जाना। ये खबर चंदौली से निकल कर आ रही है, जहाँ पर जानकारी के मुताबिक ये खबर मुगलसराय कोतवाली के अवधूत राम होल्ट के पास रविवार देर शाम की है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल पहचान के मुताबिक मंजू यादव और 2 बच्चियों के आराध्य और अमृता के रूप में पहचान हो पाई है। जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला कि पति से विवाद के चलते महिला ने यह कदम उठाया है। मंजू मुगलसराय कोतवाली के परोरा गांव की रहने वाली है। 7 साल पहले करीब उसकी शादी वाराणसी के चित्रपुरी निवासी बच्चा यादव से हुई थी। कुछ महीने पहले दोनों में विवाद हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि विवाद इतना बड़ा कि थाने तक पहुंच गया और थाने में ही पंचायत बुलाई गई, जहां पर माई के पक्ष से भाई नहीं उसके जीजा का सपोर्ट लिया था, बल्कि बहन को गलत बताया। ऐसे में उन्होंने नाराज होकर ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच करना शुरू कर दिया है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट कर रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।